नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर में करेंसी फॉर्मेट है, करेंसी फॉर्मेट में बात करते हैं। करेंसी फॉर्मेट में यहाँ सबसे पहले तो आता है कि आप इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ जो होता है करेंसी के सिंबल होते हैं। अब डिफॉल्ट में ना यहाँ रुपीज देख रहे हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जब सिस्टम इंस्टॉल किया था तो मैं अपना रीजन इंडिया सेलेक्ट किया था, इंडिया इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट किया था, इसलिए रुपीज सिंबल आ रहा है। लेकिन ऑफिस में जनरली आपका US होता है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट होता है, तो वहाँ आपको डॉलर आएगा। अब डॉलर के अलावा आपको यहाँ जिस कंट्री का सिंबल सेलेक्ट करना है उस कंट्री का सिंबल सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप अगर मल्टी कंट्री में काम करते हो, आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपने डॉलर सेलेक्ट कर लिया तो डॉलर किस कंट्री का है पता नहीं चलता ना, क्योंकि देखिए इतने सारे कंट्रीज डॉलर यूज कर रहे हैं। तो उस केस में हम यूज करते हैं कंट्री कोड, जैसे कि USD डॉलर। तो हर कंट्री का एक करेंसी कोड होता है, उस करेंसी कोड को भी आप शो कर सकते हैं। इसके अलावा नेगेटिव हो तो कैसा हो, माइनस में हो, रेड हो, रेड और माइनस दोनों हो, ये आप चूज कर सकते हैं। ओके कीजिए, उसी हिसाब से आपका शो होगा।